हेलो दोस्तों, ये टूल को डाउनलोड करने से पहले आपको एंटीवायरस बंद कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपका विंडो डिफेंडर है या तो आपका पीसी में एंटीवायरस है, तो उसका जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसको आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन को मैंने ऑफ रखा हूँ। तो ऑफ करने के बाद आपको इस टूल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से, आप देख सकते हैं ये लिंक है, इसमें आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आपको डाउनलोड जो मैनेजर है वहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जहाँ पे डाउनलोड होकर रहता है वहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने इसको डेस्कटॉप पे ला लेता हूँ। अब डेस्कटॉप पे लाने के बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, और इस टूल में पासवर्ड लगा हुआ है, और पासवर्ड कहाँ मिलेगा मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह में इंटरफेस आएगा। तो इसको मैं रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है। आप रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, फिर से नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ से आपको पासवर्ड मांगेगा। तो इसका पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना आपको कॉपी करना है। तो ये इसका पासवर्ड है, यहाँ से आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे, ताकि हमारा टूल जो है इंस्टॉल हो पाए। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये जो टूल है इंस्टॉल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो ये है टूल का, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, टूल जो है हमारा ओपन हो चुका है।